हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे, और कोरोना काल में अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ अभी ब्रेकफास्ट। तो हस्बैंड को भी जाना है ऑफिस तो किसी काम से, तो फिर मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ। और मैंने आज बना रही हूँ मैं पालक और पनीर की सब्ज़ी। तो मैंने प्याज डाल दिया है कढ़ाई के अंदर और इसको भून रही हूँ। और बस मैंने इसमें टमाटर डाल दिए, मसाले डाल दिए, और मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, जल्दी जल्दी शूट किया मैंने। और ये डाल दिया मैंने इसके अंदर पनीर, और साथ ही में मैंने पालक काट के रखी थी पहले दिन ही और बॉयल करके रख दी थी, तो पालक डाल दी है। तो बस अब हमारी पालक पनीर हो गया है रेडी। और इसमें मैं अब नमक टेस्ट कर लूँगी और फिर भर दूँगी लंच बॉक्स में हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनको जाना है ऑफिस, क्योंकि कुछ काम है ज़्यादा तो उनको जाना पड़ेगा। तो बस हमारा पालक पनीर हो गया है लगभग तैयार, और अभी सबसे पहले ब्रेकफास्ट दूंगी खाने के लिए और फिर बाद में टिफ़िन में भरूंगी ऑफिस ले जाने के लिए। बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं तो मैं बीच बीच में बनाते रहती हूँ, और हरी सब्ज़ी भी है, हेल्दी भी है, और बच्चे इस बहाने से खा भी लेते हैं। तो बस अब मैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट निकालूंगी हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनको जाना है ऑफिस। तो मैंने ये डाल दिया है उनके लिए प्लेट में, क्योंकि एक्चुअली लेट हो रहे थे और मैं इसको बाउल में नहीं दे पाई क्योंकि गर्म थी, तो ये मेरे को प्लेट में डालनी पड़ी, क्योंकि अगर मैं बाउल में डालती तो वो ठंडी ना हो पाती और उनको और भी लेट हो जाती। तो बस इन्होंने कहा मुझे ज़्यादा नहीं खाना है, मुझे एक चपाती खानी है, तो बस मैंने उनको दे दी। और साथ ही मैं अब लंच बॉक्स भी भर रही हूँ उनका, ताकि पहले इनकी तैयारी हो जाए, ऑफिस वो चले जाएं, उसके बाद मैं बच्चों के लिए भी दूंगी। तो बस ये देखिए मैंने लंच बॉक्स पैक कर दिया है अपने हस्बैंड का, क्योंकि वो ऑफिस ले जाते हैं। तो और साथ ही मैं चपाती भी मैंने बना दी है, तो गर्मा गर्म है, हॉटकिस है इनके पास, तो उसमें गर्म रहता है। और बस तैयार हो गया है हमारा, तो मैं इसको अभी पैक कर लूँगी और साथ ही मैं चपाती भी। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो यहाँ बैठ चुकी हूँ मैं, अभी बैठी हूँ नीचे, क्योंकि बहुत सारी सब्जी है, ग्रीन वेजिटेबल्स है। ये देखिए कितना सारा मैंने खोल के रखा है। एक्चुअली जो हस्बैंड है वो मम्मी के घर गए थे, तो वहाँ से मम्मी ने बहुत सारी सब्जी दी है जो हमारे गाँव में लगती है। ये देखिए ये सब्जी बहुत 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 अच्छी बनती है, इसका टेस्ट खट्टा होता है और बहुत टेस्टी बनती है। और साथ में है मम्मा ने धनिया दिया हुआ, उनके अपने खेतों में होता है, धनिया दिया है, और साथ में पालक भी दी है, धनिया भी है, बहुत सारा धनिया भी है। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कितनी सारी सब्जी है। अभी मैं मिक्स कर लिया था मैंने, इसको साफ कर रही हूँ और इसको धीरे धीरे अभी अलग अलग करूँगी और फिर उसके बाद इसकी सब्जी बनेगी। और ये देखिए ये है पालक, उनके अपने खेतों में होता है। माँ है ना, तो माँ का दिल होता ही है कि बच्चों के लिए क्या ना दे, तो उन्होंने इतनी सारी सब्जियाँ दी हैं। और ये देखिए साथ में बैंगन कितने छोटे छोटे हैं। मम्मा बोल रहे थे कि वहीं खेत में 6-7 बैंगन लगे थे, तो पापा बोल रहे थे कि घर लेके चलते, तो मम्मी ने बोला नहीं, पहली सब्जी है तो मैं अपनी बेटी को दूंगी। तो ये फर्स्ट निकला था, फर्स्ट सब्जी निकली थी, और ये भी उन्होंने मुझे दी है। इसमें भी बल्कि अभी ज़्यादा नहीं लगे हैं, ये देखिए 6-7 बैंगन लगे थे, और ये देखिए कितने छोटे छोटे हैं और क्यूट से हैं, इस तरह से कि वो बना लेगी, पहले वो खा लेगी। और माँ है ना, तो माँ का दिल ऐसा ही होता है। और साथ में मेरी मम्मा ने दिया है मुझे, क्या क्या दिया है यहाँ देखिए, मैंने यहाँ रखी है, ये देखिए ये है लस्सी, लस्सी की पूरी बाल्टी है, 10 लीटर की बाल्टी दी है लस्सी की, काफ़ी लस्सी होती है। तो मम्मी ने बोला तो बल्कि हस्बैंड कहते मना कर रहे थे, मम्मी बोल रहे थे, हस्बैंड मना कर रहे थे इतनी लस्सी कौन खाएगा, तो मम्मी ने बोला नहीं वो खाएगी और बच्चे खुश रहते हैं। और ये है लस्सी, और दूध दिया था, वो दूध मैंने बॉयल कर दिया क्योंकि रात को लेके आ गए थे, तो दूध 2 लीटर दूध भी दिया था, तो वो मैंने बॉयल करके रख दिया है। और साथ ही में दिया है मम्मी ने, हाँ साथ में दिया है मम्मी ने, ये देखिए। और साथ में माँ है ना, तो उनको होता है कि क्या ना दे, साथ में अभी गाड़ी में सामान है, आलू देखिए, आलू लिए उन्होंने, लोग कल आलू लिए हैं खरीद के, तो मुझे दिए। और साथ में देखिए मक्खन, मक्खन दिया है, बच्चों ने खा भी लिया है, मक्खन दिया है, फ्रेश मक्खन होता है उनके, तो वहाँ पे मक्खन दिया है। और साथ ही में मेरे पास घी ख़त्म हो गया था, तो मम्मी ने बोला कि घी, ये देखिए ये पूरा पैकिंग करके और घी, घी का डब्बा मुझे पहुंचाया है मम्मी ने। और साथ ही में और भी सामान है, सब्जियां हैं और हरी सब्जियां हैं बहुत सारी, धनिया है बहुत सारा, और
आलू है अभी, वो हम गाड़ी से अभी लाए नहीं हैं, आलू भी हैं और बहुत सारा सामान है। अच्छा लगता है जब माँ इस तरह से, मतलब जब तक मम्मा है ना तब तक सब कुछ है, जब वो नहीं रहेंगे ना शायद फिर कोई नहीं समझ पाता है। अभी हैं तो वो पहुँचाएँगे, उनका है कि मुझे अपने बच्चों के लिए देना है, मेरे लिए नहीं। दीदी भी आते हैं तो दीदी को भी ऐसे ही, या जीजू आएंगे तो दीदी के लिए भी ऐसे ही भिजवाएंगे वो। सभी के माँ बाप ऐसे होते हैं, लेकिन हमारी माँ कुछ एक्स्ट्रा ही है, तो उनको होता है कि नहीं हमारे बच्चे खा ले तो अच्छी बात है। तो वो गाड़ी लेने गए थे हस्बैंड, तो उन्होंने सारा सामान दे दिया है साथ में, जो भी होगा वो मिलेगा जहाँ भी हो। अभी तो हम यहाँ हैं, जब मैं रामपुर में भी रहती थी तो मम्मी वहाँ भी पहुँचाते थे, खुद भी आते थे या फिर किसी के पास, जैसे हस्बैंड आते थे शिमला से तो वहाँ भी पहुँचाते थे, उनकी ये पहले से आदत है। और इतना सारा सामान आता है ना तो मन भर जाता है कि माँ यार माँ होती है और माँ से बढ़कर कोई नहीं होता है। तो चलिए फिर अब मैं पहले सब्जी को छांट लेती हूँ, उसके बाद फिर और काम करती हूँ। चलिए जैसे ही मम्मी घर से सब्जी आई, मैंने धो के सीधा मैं इसको चॉप बोर्ड में चॉप कर रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी टेस्टी बनती है, खट्टी खट्टी बनती है और काफ़ी टेस्टी बनती है। साग भी बनता है इसका, आप चावल डाल के साग बना सकते हो। मैं बना रही हूँ इसकी भुजिया, तो बस इसको मैं बना लूँगी। नॉर्मल है, थोड़ा सा तेल डाल के, प्याज डाल के, और आप इसको हल्का सा, जल्दी पक जाती है, सिर्फ 2 मिनट के लिए थोड़ा सा इसको आप आंच पे पकाइए तो ये जल्दी से पक जाती है और काफ़ी टेस्टी होती है, मुझे बहुत पसंद है। तो मम्मा को पता है कि वो ये वाली चीज़ें पसंद करती है, तो बस उन्होंने दी। और अब चलिए मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो अभी हूँ मैं बाहर बालकनी में, मैं बाहर का व्यू दिखा रही थी आपको, और टाइम लगभग 7:30 हो रहे हैं और अभी दिन का हमने सब्जी बची है और दाल भी बची है, तो बस अभी हम डिनर में वही करेंगे। और अभी कपड़े धोने का काम है, और यहाँ देखिए यहाँ आराध्य है। हेलो आराध्य, आराध्य डाल रहा है कपड़े, ये लड़कियों जैसा काम करता है, कभी कभी अगर मूड हो तभी करता है। और मैं हूँ बालकनी में बाहर, और बाकी है अभी अंदर, सभी लोग अंदर है। तो चलिए बस आज की वीडियो यहीं तक, मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग में, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग में। और ये देखिए यहाँ से संजौली का व्यू, ये नवबहार है, यहाँ से पूरा जो दिखता है आपको ये नवबहार है और बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ से। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।